अब में किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से खेतों में पानी भर गया और ऐसे में किसानों की खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई है। 15 दिन पहले 2 रुपए किलो टमाटर ना उठा हमारा। अच्छा, अब इस समय माल खराब होने की वजह पे हाँ जो है 100 रुपए किलो टमाटर उठ रहा है। अच्छा, टमाटर है ही ना हमारे खेतों में। ये हालत क्यों हुई है इसकी टमाटर की? तो बरसात की वजह से हुई है। अच्छा, जिससे कि बरसात में टमाटर की खेती बहुत नाजुक होती है। हाँ, तो टमाटर खराब होने का ये जलने का आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, जला जला था। बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में मंडी में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले तक जहां टमाटर 40 से 50 रुपए किलो हुआ करता था, अब उसकी कीमत 60 से 80 रुपए हो गई है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की बाकी चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं। क्या पड़ रहा है किसान को, अब दवाई लावे 1000-1200 तीसरे चौथे दिन दवाई होती रहे हैं, और क्या पल्ले पड़ रहा, कुछ भी नहीं, कबात भी वसूल नहीं पड़ रही खेती में। अब करना पड़ रहा है अपनी वजह से, और करे क्या बताओ। तो ये है क्या कि बारिश में महंगी हो जाती है सब? बारिश में तो अब खत्म ही हो रही है, अब क्या पल्ले पड़ रहा है इनमें, सारी खत्म हो रही है इसमें। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अस्पताल में भर्ती 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर से हुआ यह हादसा, और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा। तो हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसकी वजह से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुरी हालत में कार्स हैं। इन दोनों कारों की भिड़ंत हुई, जिसके बाद 4 की मौत हो गई और 6 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। उन 6 सभी का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसा और ये मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर। थाना मर्डर सेना के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी, ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई, और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने खुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे, उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर बिस्पल ने पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया है, उनका इलाज किया जा रहा है। आगे यहाँ पर जो यातायात सुचारू व्यवस्था है उसको भी बनवाया जा रहा है, और कुल मिलाकर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर। उन्नाव में झोपड़ियों में आग लग गई, देखते ही देखते आग फैल गई और उसकी चपेट में 3 झोपड़ियां आग में समा गई। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक समारोह था, उसी को लेकर बनाया जा रहा था, लेकिन तभी आग लग गई। खाना बनाया जा रहा था और उसी के बीच ऐसी घटना घट गई, आग में कई झोपड़ियां राख हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त ऐसी घटना हुई, जिसकी वजह से एक झोपड़ी में आग लगी और देखते ही देखते सारी झोपड़ियां राख हो गई। चित्रकूट जिले में कई जगह अवैध गुटखा फैक्ट्री के संचालक और उसके संचालित होने की सूचना पर छापेमारी की गई है। पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इसी बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री के मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।